सिंह और सभी मेरे वरिष्ठ जिला के पदाधिकारी और इलेक्टेड मेंबर काउंसिलर आपके समक्ष उपलब्ध हैं। 23 जुलाई 2024 को जो इंटरिम बजट था उसका सरकार बनने के बाद फुल बजट की घोषणा हुई और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि जहाँ 2014 में 15 लाख करोड़ का देश का बजट होता था वो बढ़ के आज 50 लाख करोड़ का हो गया है, 3 गुना से ज़्यादा। भारत की इकोनॉमी और भारत का बजट और भारत की बैलेंस शीट मजबूत हुई है और 2024-25 का जो बजट था प्रमुखता से उसके अंदर में इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना, युवाओं को सशक्त करना, उनको स्किल देना, उनकी एम्प्लॉयमेंट और उसके साथ ही एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइजिंग तरीके से खेती करना और इंफ्रास्ट्रक्चर पे और अधिक जोर दिया है। इसी के साथ ही अर्बन डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज किया है जिसमें हमारा सिलीगुड़ी शहर और दार्जिलिंग कालिम्पोंग मिनी और कर्सेंग की टाउन भी आती है। इनोवेशन के ऊपर में जोर दिया है और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में प्रमुखता से जोर दिया है और मैं इस बजट के लिए अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, सशक्त प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और जिन्होंने लगातार 7वीं बार भारत का बजट भारत के सदन में रखा है, श्रीमती सीतारमन जी का आभारी हूँ। मैं इसलिए भी आभारी हूँ कि उन्होंने इस बार हमारे चाय श्रमिक और चाय से जुड़े हुए जो परिवार हैं उनकी चिंता की और प्रधानमंत्री के नाम पे एक नई शुरुआत हुई है और प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना को चालू किया है जिसके अंतर्गत 2024-25 और 2025-26 के लिए आसाम और पश्चिम बंगाल यानी उसमें से भी नॉर्थ बंगाल में ही चाय बगान होता है प्रमुखता से 3 जिलों में उसके लिए 1000 करोड़ का आवंटन किया है और ये 1000 करोड़ चाय श्रमिक के जो परिवार के सदस्य उनके बच्चे हैं उनकी हेल्थ और उनकी एजुकेशन के ऊपर में खर्च होगा। इसी के साथ ही मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि भारत सरकार ने 11,500 करोड़ का बजट देश भर में नेशनल स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के अंतर्गत देश भर में जो है डिजास्टर के लिए 11,500 करोड़ का आवंटन किया है, उसमें करीब करीब जो है 1200 करोड़ रुपया पश्चिम बंगाल को भी मिला है और मुझे ये उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल सरकार इस बजट को और इस बजट का बड़ा हिस्सा जो तिस्ता में बाढ़ पीड़ित है जिसमें कालिम्पोंग है, दार्जिलिंग जिला है और साथ ही जलपाईगुड़ी जिला में जो नुकसान पहुंचा है, जिन परिवार की क्षति हुई है, जिन परिवार का घर बहा है, जिन लोगों का घर का सामान का नुकसान हुआ है, जिन्होंने अपने परिवार को खोया है, उनके प्रति ये पैसा पश्चिम बंगाल सरकार खर्च करेगी ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। इसके साथ ही रेलवे के लिए पश्चिम बंगाल को 14,000 करोड़ का एक साल का बजट आवंटन हुआ है और इसके अतिरिक्त जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है उसके लिए 60,000 करोड़ के रेलवे के प्रोजेक्ट ऑलरेडी कार्यान्वयन है, ऑलरेडी काम चल रहा है। और इसी के साथ ही हमारे विधायक की हमेशा ये आग्रह रहता था सिलीगुड़ी जंक्शन और जलपाईगुड़ी NGP का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ 100 जो है पूरे पश्चिम बंगाल में स्टेशन को अमृत भारत के अंतर्गत लिया गया है। मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया है, लगातार जो है 11.1 लाख करोड़ का यानी पिछले बार जो कैपिटल
इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में जो खर्चा था उसमें 11% की वृद्धि करके 11.1 लाख करोड़ यानी 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया है। इसका सीधा अर्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो भी एंसिलरीज है उनको इसके माध्यम से फायदा होगा। और ये बहुत कम देशों में होता है जहाँ 11 लाख करोड़ की रकम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में सरकार खर्च करती है। और जब सरकार का खर्चा इतना जोर जो है 20% से ज़्यादा का पूरा बजट का हिस्सा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाती है, इसका मतलब इससे कारण जॉब क्रिएशन भी होगा और एंसिलरीज को भी फायदा होगा, डेवलपमेंट भी होगा, विकास भी होगा। और साथ ही जैसा मैंने कहा रूरल डेवलपमेंट को, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को जोर दिया है और उसके अंतर्गत 2.66 लाख करोड़ का बजट आवंटन हुआ है जो हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इसी के साथ ही 1.5 लाख करोड़ जो है ये सेट किया है लॉन्ग टर्म जो है इंटरेस्ट फ्री लोन यानी 1.5 लाख करोड़ का 50 साल तक किसी भी स्टेट को कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, ऐसा 1.5 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त जो है इसमें एलोकेट किया है। इसके साथ ही जो स्टेटों को ग्रांट देती है केंद्र सरकार, क्योंकि आपको पता है SGST और CGST दो तरह के टैक्स कलेक्ट होते हैं और तीसरा एक डायरेक्ट टैक्स होता है जो पेट्रोल और लिकर से आता है स्टेट को। जो SGST का हिस्सा जो इतना केंद्र राज्य का रहता है उसी के अनुपात से राज्य सरकार को जो है केंद्र सरकार भी आवंटन करती है। तो स्टेट को जो ग्रांट है वो 6.42 लाख करोड़ का आवंटन किया है जिसमें बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल सरकार को भी मिलेगा। और मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि पिछले 5 साल से लगातार जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा था उससे 121%, 125% और टोटल 5 साल का अगर हम जोड़ें टोटल करें तो 131% अतिरिक्त जो है पश्चिम बंगाल को भारत सरकार ने पैसा दिया है। जो आए दिन ये आरोप लगता है कि पश्चिम बंगाल को नहीं दिया गया, ये सरासर गलत है और बेबुनियाद है। इसके साथ ही 1.62 लाख करोड़ का बजट एलोकेट किया है अगर किसी राज्य को लोन या एडवांस के रूप में चाहिए हो केंद्र सरकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उसकी भी यहाँ पे मतलब एलोकेशन हुई है। इसका मतलब आप देखिए 6.5 लाख, 7, 8, 9, 10 लाख करोड़ रुपया अलग अलग राज्यों को मिलेगा और इस 10 लाख करोड़ रुपये में जो है पश्चिम बंगाल की आबादी 7.5% है लेकिन इसमें पश्चिम बंगाल का हिस्सा 10% है। यानी आबादी अगर पूरी भारत की आबादी देखें उसकी तुलना में सबसे ज़्यादा पैसा पश्चिम बंगाल को दिया गया है। महाराष्ट्र का टैक्स कलेक्शन टैक्स रेवेन्यू सबसे ज़्यादा रहता है। मुझे बताते हुए दुख भी होता है, पीड़ा भी होती है, कष्ट भी होता है लेकिन सच्चाई ये है जब देश आज़ाद हुआ टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यू में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे होता था, नंबर 2 पे महाराष्ट्र होता था लेकिन आज महाराष्ट्र नंबर 1 है और पश्चिम बंगाल का टॉप 10 में कहीं भी हिस्सा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है पश्चिम बंगाल को पूरा पैसा दिया है। महाराष्ट्र को 60,000 करोड़ मिला लेकिन पश्चिम बंगाल को 93,000 करोड़ ये सिर्फ जो ग्रांट हुआ है वो पश्चिम बंगाल सरकार को दिया गया। इसी के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ अतिरिक्त मकान घर बनेंगे गरीबों के लिए और उसमें से भी 1 करोड़ घर अर्बन सिटीज में बनेंगे जिसके लिए 10 लाख करोड़ रुपये भारत सरकार खर्च करेगी। और ये 10 लाख करोड़ रुपये जो खर्च हो रहा है इसमें कलकत्ता, सिलीगुड़ी, आसनसोल ये जो बड़े शहर है अर्बन शहर है उनको इसका सीधा लाभ मिलेगा। और जैसा मैंने कहा कि ये बजट जो है युवाओं के ऊपर में फोकस है, अगले 5 साल में 4.1 करोड़ यानी 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को रोजगार देना ये सरकार का एक लक्ष्य है जिसके अंतर्गत हर साल 20 लाख युवाओं को भारत के टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनी के अंदर में एक एक साल का इंटर्नशिप उनको कराया जाएगा और हर महीना 5,000 रुपया यानी प्रत्येक युवाओं के ऊपर में 60,000 रुपया भारत सरकार खर्च करेगी। और उसके अलावा टॉपअप एक उसमें 6,000 रुपया वन टाइम ग्रांट के रूप में भी युवाओं को दिया जाएगा।
आप कल्पना करिए, जब 500 टॉप फॉर्च्यून कंपनी रिलायंस जैसी कंपनी में हमारे देश के युवा काम करेंगे, उनका एक्सपोजर होगा, फिर एक साल ट्रेनिंग और उनके वहाँ काम करने के बाद का जो उनका एक्सपर्टाइज, उनकी जो स्किल होगी, उसके कारण मार्केट में उनकी डिमांड रहेगी। और जैसे भारत को आज स्किल की, टेक्नोलॉजी की, इंजीनियरिंग की आवश्यकता है, वो देश को भी मिलेगा। और इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए, ह्यूमन लेड डेवलपमेंट के लिए 3 लाख करोड़ का बजट का आवंटन हुआ है। मनोरञ्जनमूलक भिडियो साथै वरिपरिका खबर हेर्नका निम्ति यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। बजेटका आवंटन हुआ है। जहाँ सिर्फ महिलाओं की सशक्तिकरण की बात होती थी, आज महिलाओं को जो है 30% आरक्षण देने का काम भी सरकार ने किया है। ओवरऑल ये बजट हमारे रीजन के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है, जहाँ पे हाईवे, रूरल रोड और रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट, जिसकी हमारे क्षेत्र को सख्त जरूरत है, उसकी पूरी चिंता इसमें की है। मैं एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमण जी को, पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से बधाई देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि जो पैसा पश्चिम बंगाल सरकार को मिलेगा, वो डेवलपमेंट का पैसा हमारे क्षेत्र में भी आएगा और हम सबके जो क्षेत्र है, जिसको हम प्यार से दार्जिलिंग सिलीगुड़ी कहते हैं, इसका विकास होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ये विषय मुझे रखना था। देखो माननीय मुख्यमंत्री गतकाल नीति आयोग बैठके उपस्थित थे एवं से समय बैरिए आसार पर विबृति दिए सम्मानीय अर्थमंत्री ठीक तरह एक विपरीत विबृति देय जो प्रथम बैरिए आसार पर प्राथमिक प्रतिक्रिया माननीय मुख्यमंत्री असत्य भाषण पटु और परवर्तीकाले निर्मला सीतारमण और माननीय अर्थमंत्री विबृति आओ एक बार मुख्यमंत्री जो असत्य भाषण पटु সেটাকে তিনি বেআব্রু করে দেন। পরে নীতি আয়োগের সরকারি স্তরের বৈঠকেও সরকারি বিবৃতিতেও একই কথা বলা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি কথা বারবার করে বলে যে পশ্চিমবঙ্গ নাকি অর্থ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আমি আপনাদের মাননীয় সাংসদের কথা রেজ ধরে আমি আপনাদেরকে শুধু এইটুকু বলি, বেশি আমি আপনাদেরকে তথ্য দেব না। সেটা হচ্ছে 2021-22 রাজ্যের নিজস্ব রাজস্ব আদায় ছিল 72,000 কোটি টাকা। রাজ্যের নিজস্ব রাজস্ব আদায় ছিল 72,000 কোটি টাকা, আমাদের কেন্দ্রের সরকার দিয়েছিল 1,05,000 কোটি টাকা। 2022-23 রাজ্যের নিজস্ব রাজস্ব সংগ্রহ ছিল 82,000 কোটি টাকা, কেন্দ্রের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া হয় 1,15,000 কোটি টাকা। এই যে মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন অবাস্তব অসত্য তথ্য দেন, তথ্য আকারে শুধু আপনাদেরকে বলে রাখি, মাননীয় সাংসদ মহাশয় আছেন, তিনিও নিশ্চয়ই বিধানসভায় বলেন বা বলবেন যে আমাদের সারা ভারতবর্ষে টোটাল যে জিএসটি কালেকশনগুলো হয়, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের জিএসটি কালেকশন হচ্ছে 4.39%, আর ডেভিলিউশন অর্থাৎ সেই জিএসটি জমা পাওয়ার পরে কেন্দ্রের থেকে আমরা কত টাকা পাই, আমরা পাই হচ্ছে 7.5%, ফি কম পাই বেশি। উল্টো দিকে আপনি দেখুন মহারাষ্ট্র জিএসটি সংগ্রহ করে, এই যে এমপি সাহেব এক্ষুনি বললেন যে আগে আমরা কোথায় ছিলাম, মহারাষ্ট্র ঠিক পরে। মহারাষ্ট্র এই মুহূর্তে সারা দেশের জিএসটি কালেকশনে 23.38% মহারাষ্ট্রের জিএসটি কালেকশন হয়। আর মহারাষ্ট্র তার ফলে কত টাকা কেন্দ্রের কাছ থেকে পায় ডিভিলিউশনে, 6.3%, কোথায় 23% টাকা দেয় আর পায় হচ্ছে 6%, আর আমার রাজ্য টাকা দেয় হচ্ছে 4.39%, পায় হচ্ছে 7.52%। ফলে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে শুধু এইটুকু বলবো, দয়া করে অসত্য ভাষণ দিয়ে রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন না, এবং পরিষ্কারভাবে রাজ্যের নিজস্ব আয় যখন এরকম সংকটজনক অবস্থায় কেন্দ্রের উপরে দোষ চাপিয়ে যে নাটক আপনি করছেন, এই নাটক আমরা মানুষের সামনে উন্মোচিত করব। চলিয়ে আপকে আগে কোনো মন মে প্রশ্ন চাই কি ইন্ডাস্ট্রি নর্থ বঙ্গাল মে বিশেষ করকে দার্জিলিং মে বহুত অচ্ছি অবস্থা মে নহীঁ হ্যায়, আর এসেই চলতা রহা তো 10 সাল বাদ শায়দ হি কোই চায় ইন্ডাস্ট্রি কো
चलाना चाहेगा। और आज भी ज्यादातर जो उद्योग चाय उद्योग से लोग जुड़े हुए हैं वो घाटे में चल रहे हैं, उसके कई कारण हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जो टी बोर्ड की जो भूमिका होनी चाहिए थी वो भूमिका ठीक नहीं है। टी बोर्ड रेगुलेशन और रेगुलेटर को कंट्रोल करके बैठा है, जो अंग्रेज के समय शायद ठीक था, प्लांटेशन लेबर एक्ट जब बना शायद उस समय उसकी उपयोगिता थी, लेकिन आज वो ठीक नहीं है। टी बोर्ड का काम होना चाहिए टी प्रमोशन का, विदेशों में टी को प्रमोट करें, हिंदुस्तान डोमेस्टिक मार्केट में टी को प्रमोट करें, चाय का कंजम्पशन बढ़ाएं और चाय के बारे में जो है पब्लिसिटी करें। लेकिन ठीक विपरीत जो है, चाय पत्ती कब टीपनी कब नहीं टीपना, तो चाय का रेगुलेशन में ही टी बोर्ड उलझा हुआ है, उसमें भी परिवर्तन होने की आवश्यकता है। ये विषय मैंने बहुत प्रमुखता से रखी है। और मेरा ये कहना है कि जो टी इंडस्ट्री, आज बैंक वाला भी इसको नेगेटिव लिस्ट में रखा हुआ है, लोन मांगो तो बैंक वाला लोन भी नहीं देता। और मेरा आग्रह है भारत सरकार से, जो इस बार के बजट में भी मैं रखूंगा, शायद मुझे कल उसकी बोलने का मौका मिलेगा, तो मेरा इसमें ये मांग है कि चाय इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर के साथ जोड़ देना चाहिए, जिससे उनको लोन मिले और उनको सुविधा मिले। और साथ ही भारत सरकार से मेरी एक मांग है कि स्पेशल वन टाइम पैकेज इस इंडस्ट्री को, जिस तरह से 1000 करोड़ रुपए आपने चाय श्रमिकों को दिया, इसी तरह के से एक बड़ा पैकेज जो है वन टाइम हेल्प और पैकेज, स्पेशल पैकेज देने की आवश्यकता है, अगर चाय बाजार को हम जिंदा रखना चाहते हैं। मैं पूरी तरह इंडस्ट्री के साथ हूँ। और इसके साथ ही मेरी चाय के जो इंडस्ट्री है उनके साथ भी एक मेरा निवेदन है, उनमें भी एकता होने की आवश्यकता है। विरोधाभास बहुत है, आसाम के चाय बागान कुछ और बात बोलते हैं, बंगाल के कुछ और बोलते हैं, और अन्य चाय बागान के लोग कुछ और बोलते हैं, उनमें आपस में तालमेल बैठने की आवश्यकता है। चाय के भूसे 100 साल से पुराने हो गए हैं, उसमें नया इन्वेस्टमेंट करने की प्लांटेशन में बहुत आवश्यकता है। कुल मिला के मुझे लगता है आने वाले समय में कोई ठोस कदम, और इसको लेकर के भारत सरकार स्वयं भी चिंतित है, मुझे लगता है चाय के इंडस्ट्री को लेकर के, चाय उद्योग से जुड़े हुए लोगों को लेकर के भी बड़ी घोषणा केंद्र सरकार करेगी, और मुझे लगता है करना ही पड़ेगा राज्य सरकार की तरफ अभियान। नहीं देखिए, ऐसा है कि मैं जो है जो भी चाय की कमी अपने ऊपर ले रहा हूँ, केंद्र सरकार के ऊपर ले रहा हूँ, पब्लिकली कह रहा हूँ, लेकिन जिम्मेदारी स्टेट की है। स्टेट सिर्फ रिवेन्यू लेता है, जमीन स्टेट के पास है, बिक्री करना खरीदना स्टेट काम करता है, लेकिन स्टेट ना तो कोई उम्मीद है ना कोई स्टेट को पूछता है। और स्टेट के जो अपने चाय बागान थे वो तो उन्होंने बेच दिए, और ऐसा पार्टी को बेचा, आज जो 10 चाय बागान है जिसको बेचा उसी के चाय बागान आज बंद है, और उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल सरकार को गया है ब्लैक मनी के अंतर्गत, और आज ये अवस्था है। लेकिन नॉर्थ बंगाल से टीएमसी को प्रेम नहीं है, हमें अपने दम पे अपने बलबूते पर नॉर्थ बंगाल को बनाना होगा। मैं आपके माध्यम से अपनी जनता से अपील करता हूँ, और हम निकल पड़े हैं नॉर्थ बंगाल को विकसित नॉर्थ बंगाल बनाने। सर आपने कहा है कि टीएमसी का नॉर्थ बंगाल के ऊपर कोई प्रेम नहीं है, बीजेपी का क्या है नॉर्थ बंगाल के लिए? इस बजट में भी कोई स्पेसिफिक बताएंगे कि जिसमें डेवलपमेंट के लिए कुछ दिया गया हो स्पेसिफिक? ऐसा है, आप मुझे बताइए कौन सा राज्य कौन से जिला का स्पेसिफिक बजट इस बजट में घोषणा हुई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद तो मैंने आपको कहा दार्जिलिंग जिले के चाय बागान को लेकर के 1000 करोड़ रुपए अलॉटमेंट हुआ है, डिजास्टर को लेकर के 11,500 करोड़ जिसमें से 1200 करोड़ पश्चिम बंगाल को दिया गया है, 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं को स्किलिंग और रोजगार मिलेगा वो हमारे क्षेत्र से भी रहेंगे, 2.68 लाख करोड़ का रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, बहुत बड़ा हिस्सा हमारे क्षेत्र में है, और 10 लाख करोड़ से 1 करोड़ आवास योजना अर्बन बनेंगे जिसमें सिलीगुड़ी को दार्जिलिंग को फायदा होगा, 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना बनेंगे, 26,500 घर हमारे दार्जिलिंग जिले के बनेंगे। तो मुझे लगता है हमारे लिए इसमें बहुत कुछ है, बस हमको प्रयास करना पड़ेगा, उसके अंदर डूब करके देखना पड़ेगा। टीएमसी तो बोल रहे हैं आप लोग सोच नहीं रहे बंगाल में, मुझे ये बताइए टीएमसी ने कोई चिंता की है क्या? ऐसा है टीएमसी को वोट मिल जाता है, क्योंकि उस समय वोट के समय में इंपोर्टेड वोट बैंक का बड़ा हिस्सा टीएमसी को मिलता है, इसीलिए
जीत जाता है। लेकिन टीएमसी से प्रेम कौन करता है? मुझे लगता नहीं टीएमसी के हमारे अपने नेता और कार्यकर्ता भी उनके बड़े नेताओं से प्रेम करते होंगे या उनकी योजनाओं के कारण उनको लाभ होता होगा, मुझे ऐसा दिखता नहीं। और दूसरा हमको ये भी समझना चाहिए, आप देखिए 3.78 लाख करोड़ पश्चिम बंगाल का बजट है कि नहीं है? नहीं, अभी भी फिर पैसों का। नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट बोर्ड को कितना मिलता है? 860 करोड़ रुपया, उसमें से 50% खर्चा होता है, 450 करोड़ रुपए वापस, यानी हमारे को 0.002% बजट एलोटमेंट होता है, 0.001% बजट मिलता है, ऊंट के मुंह में जीरा। तो इससे बात स्पष्ट होता है 4 लाख करोड़ के बजट में है, हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन 50 लाख करोड़ जो देश का बजट में, मैंने आपको इतना कुछ गिना दिया, तो उसके साथ कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं, लेकिन वो समस्याएं टेम्पररी है, उसका समाधान की तरफ हमको बढ़ना होगा। बायोमेट्रिक में अगर उंगली की तारन दिक्कत होती है तो फेस से भी जो है अटेंडेंस हमारी लगा जा सकता है, तो इसके अनेक उपाय हैं। अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक है एजेंसी की तरफ से विषय आएगा, हम जरूर इसमें चिंतन करेंगे। जो ईस्टर्न रीजन बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल उड़ीसा और आंध्र को फायदा होगा, एक जो है बहुत बड़ा जो है अमृतसर से कलकत्ता तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, जिसमें बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल को इसका लाभ होगा। और इतना ही नहीं, जो है इसके अलावा जो है नाबार्ड के तरफ से भी साउथ बंगाल में पार्टिकुलरली 24 परगना मिदनापुर में यहाँ पे बहुत बड़ा योजना जो है नाबार्ड का ऑलरेडी चल रहा है। और मुझे तो ये कागज देखने की जरूरत नहीं है, नॉर्थ बंगाल में बालासन से आर्मी कैंट तक 1000 करोड़ का रोड बन रहा है, आर्मी कैंट से कोरोनेशन ब्रिज तक 4 लेन का एलिवेटेड नया रोड बनेगा, 6 किलोमीटर का नया कोरोनेशन ब्रिज बनेगा, जिसमें करीब जो 1000 करोड़ से ज्यादा लागत आएगी। NH10 3000 करोड़ की लागत से नई बनेगी, 717 या 2650 करोड़ का बन रहा है, सिलीगुड़ी के चारों तरफ 4000 करोड़ की रिंग रोड बनेगी। और इतना ही नहीं, जो है रिंग रोड जो है के साथ साथ आपका पानी नक्सलबाड़ी से लेकर के घोसपुकुर तक 4 लेन का एक रोड आ रहा है, और बागडोगरा एयरपोर्ट में 3000 करोड़ का खर्चा भारत सरकार कर रही है, दार्जिलिंग के 220 करोड़ रुपए अमृत का स्कीम मिला, कालिंपोंग को 200 का मिला, मिरिक का 200 का मिला, और अभी कर्सन को 240 करोड़ रुपए मिला, सिलीगुड़ी को 500 करोड़ रुपए अमृत का स्कीम का योजना मिला, 250 करोड़ सीवरेज और ड्रेनेज के लिए मिला, ऐसी तमाम योजना मैं उंगली में गिना सकता हूँ। ये सारा जो है केंद्र सरकार की योजना है, कुछ कुछ योजनाओं में कुछ कुछ पैसा जो है स्टेट का भी लगता है, तो कुल मिलाकर के केंद्र सरकार की तरफ से जो होना चाहिए था वो कर रही है, और हमारे जो विधायक सांसद लग करके हम भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा आपका विषय था नॉर्थ बंगाल का, देखो नॉर्थ बंगाल को तो ठगा है, और नॉर्थ बंगाल को चाहे CPM हो चाहे TMC हो, दोनों ने पीटा है, इसीलिए नॉर्थ बंगाल अपने दम पे खड़ा होना चाहता है। मुझे लगता है इतना स्वाभिमान नॉर्थ बंगाल की जनता में है और रहना भी चाहिए। मनोरञ्जनमूलक भिडियो साथै वरिपरिका खबर हेर्नका निम्ति यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।